हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को पता ही है कि 2 साल हो गए इनकलकेट लर्निंग को, और आज रवीना अमित के 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और अमित यहाँ नहीं है क्योंकि दोपहर है। तो ये देखिए जी, ये देखिए देखिए, 999 हो रखे हैं। और अब ये जब भी होंगे, तो जब भी ये 1000 होंगे, तो सिर्फ मैं इनको ऐसे लैपटॉप पे देख पाऊंगी। मुझे अमित के लिए तरस आ रहा है, लेकिन मैं उसके लिए रिकॉर्ड कर लूंगी। तो ये है जी 999, और ये 1000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कंग्रेचुलेशंस। ये तो अमित आ गया मैं है, आ गया हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर ये नहीं देख पाया। मैंने नहीं इसको देख वीडियो कॉल करके दिखाया। मैंने, हाँ, मैंने इसको बोला अभी, मैंने कहा सब्सक्राइब करके 999 करके घर आके 1000 कर दूंगा दोनों साथ में। लेकिन अब एग्जैक्टली देख के अभी देखूंगा, शायद 1000 से एक दो ऊपर हो गया, एक आधा ही होगा। मुश्किल है, वरना 1000 तो होंगे तो मैं 999 कर सकता हूँ, आप देख पाएंगे। तो ऐसा, अच्छा, तो यानी कि आज 5 मई को ही मेरे इनकलकेट लर्निंग के 2 साल पूरे हुए, और ये रवीना एंड अमित के 1K पूरे हुए। हाँ, 1000। तो पार्टी तो बनती है, डबल सेलिब्रेशन बनता है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट जिम जाके आते हैं, उसके बाद कहीं हम कुछ कहीं पार्टी करें, खाने पीने घूमने चलते हैं, कुछ और जो मन करे। उसके बाद 9 बजे मेरी लाइव भी है इनकलकेट लर्निंग पे। एंड देन चूंकि आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो मैं अमित की जो है एक अच्छी खास बात आप लोगों के सामने रिवील करती हूँ। रिवील अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि अमित जो है इतना बढ़िया है ना मल्टीटास्किंग में, इतना बढ़िया है ना मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा काम एक साथ करने में, कि अगर ये मुझे कोई बात बता रहा है तो ये या तो बात ही बताएगा या इससे सॉक्स पहनी जाएंगी। ये बात बताते बताते सॉक्स भी नहीं पहन सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब मेरी बुराई कर रहे हैं आप लोगों के सामने, ऐसा नहीं है। ये सब सच था, और अब हम जिम जाते हैं और आके मिलते हैं। एक ही काम करता हूँ मैं, ये शिद्दत के साथ जुराबे पहनता है, मैं हाथ नहीं मारता ऐसे करके, ये पकड़ लो ये पकड़ लो, मैं किसी एक काम को पकड़ता हूँ और अच्छे से कर। मतलब बात बताते बताते सॉक्स तो पहन सकते हो ना, ये सॉक्स हाथ में लेके बैठा और मेरी तरफ देख के बातें बताई जा रहे हैं। मैं साथ में नहीं पहनी जा रही, फिर ये सॉक्स पहनने लग गया तो इसका दिमाग ब्लैंक हो गया, फिर इससे बात नहीं बताई जा रही। मजाक क्यों करते हो? देख जुड़वल रहा है, जुड़वल रहा है ना, दिख रहा है ना इसकी शक्ल पे। हाँ जी, तो हम रेडी हैं एज यूजुअल की तरह। ये देखिए मेरी नई टी-शर्ट। हाँ, गो अच्छी लग रही है वैसे टी-शर्ट ना, कलर वाइज मेरी टी-शर्ट ज्यादा अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए जी, अब हम रेडी हो गए हैं और अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अभी जाके डिसाइड करेंगे उधर देख के किस चीज का। रवीना कंफ्यूज है कि क्या खाएं क्या खाएं, वो है बिहाइंड द सीन है। कई बार जब मैं यहाँ बैठ के काम करती हूँ तो ऐसे कंबल के ऊपर रख के ऐसे करना है। चलिए जी, चलते हैं और देखते हैं क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नारियल पानी दिखा जी, और हेल्दी शुरुआत तो हेल्दी कर सकते हैं कम से कम हम। ठीक है, तो नारियल पानी है यहाँ महाराजा शूर सैनी जो चौक है उसके पास, यहाँ पे ये नारियल पानी वाले थे और हमने नारियल पानी लिया सबसे पहले। क्या है फर्स्ट चीज जो हमने चूज की है? वो बहुत हेल्दी है, नारियल पानी। वाओ, जस्ट वाओ। ये चॉइसेस मुझे अच्छी लगती है। रवीना को दिखे तो रवीना ने मना नहीं किया, मीठा है तो बहुत। मैंने मतलब मैं पीती हूँ नारियल पानी, बट इतना मीठा नहीं है। क्रीम वाला है, क्रीम वाला भी होता है, बट इतना टेस्टी नहीं है। क्रीम बोलते हैं, बट ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है पार्टी की। तो हाँ, और ये इन्होंने मलाई पैक करके दे दी है। तो जी, हमने अभी नट ब्राउनी ली है पिनाकी बेकरी। पिनाकी बेकरी में कैमरा ठीक से पकड़े, कैमरा अच्छे से पकड़ रखा मैंने। 1 साल होने को है इस इंसान ने कैमरा पकड़ने में। हेलो मूडी बच्चे, दिखाओ। तो ये हमारे पास है जी ब्राउनी, नट ब्राउनी। चलिए टेस्ट करके बताओ, पर पहले इसकी फोटो लेनी है ना, तो तुम बंद कर। हाँ जी, तो मैंने जो है मतलब हमने फोटो ले लिया, अभी रवीना जी टेस्ट करके बताएंगे, जल्दी करवाएंगे। वाओ, चॉकलेट सॉस की कमी है, गरम गरम बढ़िया ना, यानी वाइब थोड़ी सी ऐसे रॉयल टाइप फील होती है। चलिए जी खाते हैं रॉयल।
ये जो इंसान है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ पढ़े जा रही, इसमें से नमकीन कुछ मंगाने का, इसने मंगा लिया मीठा, तो इसका मन था। मैं कहा मीठे से कौन शुरुआत करता है, लास्ट में खाते मीठा। बोला मेरा मन है, तो अब इनका मन पूरा कर दिया। अब मैं जब पढ़ रही थी तो उधर देख के कह रहा है, शेफ नहीं है इनका, एक लड़का सा खड़ा है बस देख पे। ये तरीके होते हैं इनडायरेक्टली, कोई चीज़ किसी जगह पे मना ड्रीम करार दे दिया, हमने मन इनका नहीं है कुछ भी खाने का, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं ढूंढ रही थी, इनको पता ही नहीं चल रहा क्या खाना है आज। मैंने इसको बोला फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, कह रहा है घूम फिर के तूने आलू पे ही आना है। कोई फ्रेंच फ्राइज बाहर आके फ्रेंच फ्राइज खाएं तो क्या खाएं, घर पे तुम बना के दोगे तुम फ्रेंच। अच्छा लड़ाई नहीं करते हैं हम, ये हो गया है, अब कहीं और चलते हैं। लड़ाई खुद कर बिना, अब मंगाओ कुछ कहीं और चल दे। What decide? नहीं तो जी, एज यूजुअल रवीना ने पूरी जांच पड़ताल की है इतने सारे, और शेफ को जाके ये बोलती है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे भी ये ठीक बनेगा या नहीं। अब वो क्या कहेगा ठीक बनेगा, वो टेस्ट के ऊपर है ना, आपको ठीक लगता है। ये पनीर टिक्का फुट लोग मतलब ऐसा ऐसा सा कुछ बन के आएगा जो उसके अंदर फिलिंग होगी और आप खा सकते हो। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जब मैं 160 रुपए दे रही हूँ तो मैं पूछू भी ना दी क्यों इसको। बात तो सही है, बात 160 की नहीं है, बात इसके वो है कंफ्यूजन की, कंफ्यूजन की नहीं है। उसने बोला पनीर फुटलोंग में पनीर फ्रोजन पनीर जाएगा और पनीर टिक्का फुटलोंग में पनीर नॉर्मल पनीर जाएगा, तो पनीर टिक्का क्यों निकलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब है तो उससे बनेगा तो पनीर टिक्का ही है। वो देखो हाजिर है पनीर टिक्का बनेगा, जैसे कि हमने महाराजा करके वो फूड मार्केट में था, नहीं दिखा रखा हम लोगों को, तो सेम सेम से अभी आ जाएगा, बन जाएगा तो दिखाते हैं। तो वाइन डिस्कस भी रहेंगे, पता नहीं ये वो तो पता नहीं कर दिए, बट ठीक है पूछना चाहिए सही। अरे भाई खा लो, पेपर प्लेट ब्रदर, पेपर प्लेट मिलेगी, पेपर प्लेट। अभी इसको वीडियो बनवाऊँ तो ये ऊपर नीचे कर देता है कैमरा। अब जब मैं इसको ये देख दिखाया, हाँ हाँ देख। अब ये अमित जो है, जो चीज़ें मंगाती मैं हूँ बट टेस्ट ये करके बता, थोड़ा सा ये जो है सॉस लगाएंगे, मेयोनीज है ये फ्लेवर्ड, अच्छा दे रखा है इन्होंने, आई शुड शो इट। ये देखो ये मेरे को ना बहुत गंदी आदत लगती है इसकी, ये आधी से ज़्यादा चीज़ खा जाता है फिर भी नहीं बताता कैसे बनी है। क्या बढ़िया लग रहा है, चलो पेट भर जाएगा इससे, मुझे ऐसी फील आ रही है। और पनीर काफ़ी डाल रखा है इन्होंने, तो इम्प्रेसिव। तो इन्होंने सही सजेस्ट किया था, देखा मेरे बातचीत करने का तरीका, मैंने पूछा उनसे, फाइनल मैंने किया तो बातचीत करने का तरीका इसका कमाल है ना, मैंने फाइनल किया था, नहीं नहीं कुछ भी, चलिए जी खा के टेस्ट करके देखो। हाँ जी, तो ये जो है पनीर लोडेड फुटलोंग हमने खाया, टेस्टी लगा। दो तीन खास बातें, पनीर का टेस्ट वही देख रहा हूँ, पनीर का टेस्ट आ रहा था क्योंकि इसमें बड़े बड़े पीसेस में मतलब सही से डिस्टेंस पे रख रहा। 160 रुपए में इन्होंने काफ़ी पनीर डाला, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने की या नहीं, मुझे इतनी तो थी यार कि इतने मिले। और बाकी फ्रेश चीज़ें लगी, ब्रेड भी फ्रेश लगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल बहुत फ्रेश। तो वो जो ऊपर थी ना वो पालक जैसी, क्या था उसको, लेटिस, वो भी अच्छी लगी जी फाइनली, नाइस। ये मेरी रसमलाई जी और अमित का रसगुल्ला, ये बता रहा है कि रसगुल्ला इसका है और रसमलाई भी इसकी है। तो ये दोनों चीज़ें हमने खाई और बहुत यमी थी ये दोनों की दोनों चीज़ें। और इसके बाद हम गए पिज़्ज़ा हट, वहाँ पे ये ब्रेड हमने ली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमित को अच्छी नहीं लगी, तो बस बट खानी तो थी, पैसे लग रखे थे, तो खा खू के हम आ गए। हाँ जी, हम तो पार्टी करके आ चुके हैं, पार्टी में आपने देख ही लिया कि हमने क्या क्या खाया है। 9:05 है, रवीना की लाइव है 9 बजे। लास्ट में जो ब्रेड खाई थी गार्लिक ब्रेड वाली, वो अमित को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, वो रस्क जैसे टेस्ट आ रहा था, पेट भर गया। और अल्टीमेटली हम दूध दही और ये वो मलाई मिली थी जिस पे ले आए हैं, और अभी लाइव के बाद बात करते हैं जी। ये क्या था, मैंने ऐसे किया, अच्छा ब्यूटी छुपा रहा अपनी, कुछ भी मतलब सॉरी। अच्छा तो अभी मेरी लाइव भी खत्म हो गई है, ठीक है, और हम खा पी भी आए हैं बहुत सारा, और ये हमारा आज का सेलिब्रेशन डे था, डबल सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। पर मुझे ना ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
लॉन्ग बोल रहा हूँ, लॉन्ग नहीं, ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमने मतलब पार्टी शार्टी हम करते हैं, लिटरली मुझे आज की पार्टी में जो भी हमने खाया सबसे बेस्ट चीज पता क्या लगी? नारियल पानी। आई डोंट नो अब मेरी और उसका सजेशन किसने दिया था? सजेशन नहीं दिया था, किसने दिया था? हम बाइक पे जा रहे थे, इसको दिख गया था, इस रवीना को दिख गया था, तो क्रेडिट गोस टू यू ओनली। थैंक्स। तो वो रवीना को दिख गया था, मैंने एकदम से बाइक मोड़ी, रवीना कहती तू कोई ना पीछे चल गया, लेकिन मैंने मोड़ी बाइक, मैंने कहा यही तो चीज थी ना, ये वाली चीज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और अभी मैं वो जो गिरी उसके अंदर से निकलती है ना, वो धो के अब खाऊंगा, सबसे बेस्ट चीज लगती है मुझे वो। क्या क्या नहीं क्या कहते देखा, हजम नहीं होती ऐसे, अपनी बात बोलनी हो ना, मुझे पता क्या बोलेगी रवीना कि अमित फटाफट बोल दियो, और ऑलरेडी लेंथी हो रखा, लोग ऐसे बोलती है कई बार, ठीक है तब तो ये कर लेती है, लेकिन उसी में वही बात बोलने की जिस बात जो कैमरा ऑन किया है ना उसमें ये पूरा ज्ञान का पेज खोल देती है। तो मैं इसको बताता हूँ भाषण, तो चलिए जी लाते हैं, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कर लो मैं तुम्हें समय दे, तुम्हें इरिटेटिंग हो, सच्चाई है, ओनली आई कैन बी इट। फिर से बोलियो, कितना मार्च के बोला ना तुमने, इसके रिगार्डिंग तुम्हारे ओनली आई कैन बी इट। फिर से बोल, मार्च के अच्छा बोला तुमने, बोलियो ओनली I can bear it. मतलब ये बिहेवियर के लिए था ना, ये जो तुम करते हो, only I can bear it ऐसा। जो लोगों को ये बात समझ नहीं आई, जो हमारे दूसरे तरीके के लोग हैं जिनको नहीं समझ आई इसकी अंग्रेजी, ये कह रहा है तेरे को मैं ही उगत सकता हूँ। तो अमित जी रनिंग वाटर में धोते हुए, अमित जी, अमित जी नारियल को अमित जी ये अपने आगे भी जी लगवाता है, आगे जी नहीं पीछू जी, पीछू नहीं आगे। देखो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, मतलब बच्चे जैसे मान लो चाचा जी बोलने की बजाय चाचू बोलना प्रेफर करते हैं, मामा जी बोलने की बजाय मामू बोलना प्रेफर करते हैं प्यार से, ये बच्चों को बुलवाता है मामू जी बोलो बेटा, चाचू जी बोलो। ये लिटरली प्रशासन ऐसे बात करेगा तो ऐसे करेगा, हेलो मामू जी बोलो, मामू जी को हेलो बोलो, तो ऐसा मैं नहीं बोल, अपने आप को इज्जत दे। एक्सपेक्ट मत करना, उदाहरण नहीं है इंसान, मॉडर्न टाइम में जरूर थोड़ी ना बच्चे बोले आपको मामू या कुछ भी, ए ब्रो नहीं, ए ब्रो नहीं बोले तो इसलिए ये पहले से ही कंडीशनिंग कर रहा है उनकी, अपने मामू जी, चाचू जी, नमस्ते मामू जी, उनकी तरफ से मैं ही कर लेता हूँ कई बार, नमस्ते मामू जी। सीखो कुछ इनसे, सीखो, स्वीट, ये देखो ठंडे पानी में, ठंडे पानी में डाल रखे हैं ये, और अभी अमित इसके एक बाइट खा के बताएगा, और ये काफी मोटी गिरी टाइप है ना, उसमें पानी बहुत कम था पर ये जो है काफी बड़ी थी, तो ये ठंडा भी हो गया है अभी, तो जल्दी से खा के बताएंगे ये, हम जल्दी से ब्लॉग खत्म करेंगे। इसलिए बाहर की चीजों में प्रोसेस करते रहना, मेरा दिमाग जल्दी चलता है, मेरे सेंसेस जल्दी रिस्पोंड करते हैं, तुम्हारा वाला नहीं करते, मेरे करते हैं, तुम्हारा दिमाग आने की जरूरत है ना, इसलिए जल्दी रिस्पोंड करते हैं। बेसिकली ये कह रहा था कि तुम्हारा दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरा दिमाग इस्तेमाल हुआ होता तो मैं तुम्हें रोज अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं देती, बाकी बीवियों की तरह जा जाके खाना बना। बाकी बीवियां ऐसे करती हैं? करती होंगी, रील वील बनाते हैं लोग। चलो जी ये था हमारा आज का दिन, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकल गुड लर्निंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू, वापस आते रहना, मत करेंगे आप नहीं।